हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग रेशियोज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आप क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं। तो चलिए आज हम उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं चैप्टर की हेडिंग पर। तो हेडिंग क्या है? अकाउंटिंग रेशो। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन गया कि अकाउंटिंग रेशो एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके पहले मैंने थ्योरी की क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर चुकी है, तो आप उसमें जा कर के अच्छे से देख सकते हैं कि अकाउंटिंग रेशो होता क्या है। तो सबसे पहले आप अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और लिख लीजिए, वॉट इज अकाउंटिंग रेशो। और दूसरा मैंने उसी में आपको बताया था मीनिंग ऑफ रेशोज एंड फॉर्म्स ऑफ रेशोज। तो मीनिंग ऑफ रेशोज तो आपको ये मिल जाएगा, तो वॉट इज मीनिंग ऑफ रेशो। और तीसरा, वॉट आर द फॉर्म्स ऑफ रेशोज, मतलब हम अपने अकाउंटिंग रेशो के कितने फॉर्म्स पर लिख सकते हैं, कितने फॉर्म्स हैं रेशोज के वो भी। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंट, वॉट इज अकाउंटिंग रेशो। दूसरा है इन विच, दूसरा क्वेश्चन क्या बताया मैंने, इन हाउ मैनी फॉर्म्स अकाउंटिंग रेशो इज वेरीफाइड या एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो। मतलब दो तीन प्रकार से वो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह हो गया आपके दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ आगे बढ़िए। इसी के साथ तो आपको फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग रेशो बना सकते हैं कि वॉट इज सिंपल रेशो, या वॉट इज परसेंटेज रेशो, या वॉट इज रेट रेशो, या टाइम रेशो। तो ये भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ये कि इन क्वेश्चंस में से थ्योरी में से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। इसी के साथ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशो एनालिसिस। ये मेनली आता नहीं है, पर अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा जनरली इसके बारे में पढ़ लीजिएगा ताकि आए तो आपसे ये क्वेश्चन छूटे ना। तो ये भी आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आता है ये रेशोस के बारे में जानना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक्टिविटी और टर्नओवर और वेलोसिटी रेशो। मतलब कि क्वेश्चन में या फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछ सकता है कि एक्टिविटी रेशो इज नोन एज टर्नओवर रेशो, या वेलोसिटी रेशो इज नोन एज एक्टिविटी रेशो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिविटी रेशो को हम क्या क्या बोलते हैं, जैसे टर्नओवर रेशो बोलते हैं, वेलोसिटी रेशो बोलते हैं और एक्टिविटी रेशो। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स भी बन सकता है, मैच द कॉलम भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल क्वेश्चंस भी बन सकता है। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसी के साथ आपको ये चारों चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बनना चाहिए, पैराग्राफ लिखते कि अगर बोल दिया कि व्हाट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एक्सप्लेन और क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो कम से कम आपको 10 लाइन लगभग तो लिखनी पड़ेगी। 10 नहीं तो आप 7 से 8 लाइन लिखिए ही लिखिए, क्योंकि जो चेक करने वाला होगा कॉपी वो तो ऊपर की 2 लाइन पढ़ेगा, नीचे की 2 लाइन पढ़ेगा, बीच का ना पढ़े। लेकिन आप ऊपर और नीचे इतना सॉलिड लिखिए कि वो आपको मार्क्स दे, पूरे दे। तो यही था थोड़ा इम्पोर्टेंट, ये चारों इम्पोर्टेंट है आपको। तो ये चारों क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे, व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, या टाइप्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी पूछ सकता है कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको इतना लंबा ना लिख के आप ये बता सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को 2 पार्ट में क्लैरिफाई किया हुआ है, तो वो 2 पार्ट्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेश बेस्ड ऑन सेल्स या बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और उसके अंदर ये थोड़ा सा आप बताएंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपका वैसे ही 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आप ये तीनों भी कर सकते हैं। इसे मैंने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बताया था, करेंट रेशो, लिक्विडिटी रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। ये जो 3 चीज़ हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो सबसे कौन सा, हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए, जितने क्वेश्चंस कहे हमने सारे आप नोट करते जाइए। तो इसलिए भी और क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज करेंट रेशो, व्हाट इज लिक्विडिटी रेशो, व्हाट इज एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। और इसी में हमने 4 क्वेश्चन यहाँ के भी आपको बता दिए। तो यही है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको
चैप्टर नंबर 11 अकाउंटिंग रेशो से पूछे जाएंगे। तो करंट रेशो को तो आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। यहीं पे आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ये भी कई बार आया है एग्ज़ाम में, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ तो ये तो मैंने कुछ ही क्वेश्चंस बताए, मतलब 15 शायद हो गए हैं, तो इतने क्वेश्चंस तो आप तैयार करिएगा ही करिएगा। लेकिन चैप्टर के पीछे जैसे ही लास्ट पेज में जाएंगे, तो ये जो एक्सरसाइज दी हुई है, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको ज़रूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस है ना, आपके माइंड के बाहर के हैं, मतलब बाहर नहीं जा सकते, मतलब इनका जो क्वालिटी है, मतलब जो क्वेश्चंस का पूछने का तरीका है, वो बहुत ही स्टैंडर्ड का है। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या इसी के जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे, आप इन्हीं बस को पढ़ लीजिए। आपको कहीं और से भी कोई क्वेश्चंस मिलते हैं किसी सोर्स से, मतलब जैसे परीक्षा अध्ययन वगैरह हैं, या किसी कोई आपके घर में पढ़ाता है, या वो बता रहा है कि भैया ये अच्छा चीज़ है, ये किसी ने बताया कि भैया ये बहुत बार आया, तो आप उनको भी अच्छे से पढ़िएगा। ये नहीं कि मैंने बताया तो मतलब ये आएगा ही, मैं ये नहीं कह रही कि ये आएगा या ये नहीं आएगा, ये आ सकता है, पेपर तो मैंने बनाया नहीं है। हाँ, तो इसी हिसाब से आप ये क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। ये देखिए बहुत क्वेश्चंस हैं, अगर आप इतना कर लेते, इतना नहीं करना है आपको जितना दिया, एक एक दो दो कीजिए और आपका क्वेश्चन सारे तैयार। ये देखिए कितने सारे सारे क्वेश्चंस दिए हैं आपको, इतना सारा सारा करना ही नहीं, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, जैसे रेशो एनालिसिस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और एक्टिविटी रेशो, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये तो आपको पता ही, कुछ कुछ चीज़ें तो आपको यहाँ पे पता ही होंगी। तो आप अगर इनको भी अच्छे से कर लेंगे तो आपकी जो अकाउंटिंग रेशो की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और यहीं पे आपको ना आंसर्स भी गिवन है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप यहाँ से देख करके उसको समझ करके कर सकते हैं कि ये सही है या गलत। तो यही है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियोज़ के। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, अब नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो ज़रूर कर लेना। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। अगर किसी को चैनल की ज़रूरत है हमारी, तो उसको ज़रूर हमारे चैनल के बारे में बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।